आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आकाश टेक्निकल माइंड कार्स में। तो ये आपके सामने खड़ी है रेनॉल्ट की काइगर, जो कि काफ़ी अच्छी दिख रही है ब्लू कलर में। ये काफ़ी उठ के दिख रही है ये गाड़ी। तो दोस्तों, आज मैं इसका फुल वॉक राउंड वीडियो देने वाला हूँ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। शुरुआत करते गाड़ी के फ्रंट से। फ्रंट में यहाँ पे रेनॉल्ट का लोगो देखने को मिल रहा है, उसके सराउंडिंग मैट ब्लैक फिनिश का वर्क है। उसके नीचे जब हम देखते तो यहाँ पे नंबर प्लेट लगाने की जगह है, और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे देखने को मिल जाता है हमें बम्पर। तो काफ़ी अच्छी लग रही है ये गाड़ी। यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं इस गाड़ी के डी आर एल्स, और यहाँ पे हेड लैम्प गाड़ी के। दो मिनट तो मैं आप लोगों को डी आर एल इसके ऑन करके दिखाता हूँ, आप देखिए बस। दो मिनट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं ऑन हो गई होगी इस गाड़ी की लाइट। ये डी आर एल्स ऑन हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं जो कि। और अब मैं आप लोगों को बोनेट के ऊपर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं वॉशर, यहाँ पे दो वाइपर भी देखने को मिल रहे हैं। और इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल लुक चेक करते हैं। तो आप गाड़ी की लेंथ देख लीजिए कितनी शानदार है, यहाँ पर आप लोगों को लिखी दिख जाएगी। आप जब देखते हैं इस गाड़ी के ऊपर तो यहाँ पर ग्रिल्स लगी हुई है जो कंपनी फिटेड होती है। यहाँ पर देखने को मिल जाते ग्लॉसी में हैंडल, और यहाँ पे ORVMs जब हम देखते हैं तो ब्लैक कलर में, ग्लॉसी ब्लैक कलर विथ इंडिकेटर। एक बार मैं आप लोगों को ऑन कर देता हूँ गाड़ी को, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे इंडिकेटर देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं आगे कहाँ पे फ्रंट में कहाँ इंडिकेटर देखने को मिलता है, DRL के जस्ट नीचे। और यहाँ पर जब हम टायर्स देखते हैं इस गाड़ी के, तो टायर्स देखने को मिल रहे हैं डायमंड का ड्यूल टोन टायर्स है इस गाड़ी में, काफ़ी जो कि अच्छे लगते हैं। उसके बीच में रेनॉल्ट का लोगो देखने को मिल रहा है, और टायर इस गाड़ी में MRF के लगाए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। और गाड़ी का सस्पेंशन यहाँ अंदर देखने को मिल जाता है, तो आप देखिए। और जब हम देखते हैं इस गाड़ी के इस तरफ, A पिलर, B पिलर और C पिलर मैट ब्लैक फिनिश में देखने को मिल रहे हैं। आइए थोड़ा पीछे की तरफ, और पीछे भी यहाँ पर सेम थिंग यूज़ हो रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है। एक बार हम गाड़ी का बैक साइड प्रोफाइल लुक चेक करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखने को मिल जाता है स्पॉइलर, जो कि काफ़ी अच्छी डिज़ाइन का देखने को मिल रहा है। इधर पे हाई माउंट स्टॉप लैंप, और उसके जस्ट ऊपर देखने को मिल जाता है शार्क टेल एंटीना। एक वाइपर देखने को मिल रहा है, रियर वाइपर वॉशर के साथ। और जब हम इसकी ब्रेक लाइट देखते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक सी बना हुआ है यहाँ पर सी। और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो इंडिकेटर्स है, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। रेनॉल्ट का बैच रिफ्लेक्टर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं हमें, दो सेंसर्स पीछे की तरफ, काइगर का बैच, एक यहाँ पर देखने को मिल जाता है हमें कैमरा, रियर कैमरा, और उसके सराउंडिंग देखने को मिल जाता है हमें क्रोम में, एक क्रोम में देखने को हमें मिल रहा है रेनॉल्ट का लोगो। और इसे हम एक बार ओपन कर लेते हैं। पीछे की तरफ टोटल 3 सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, हो चुका है ये ओपन। और यहाँ पे जब आप देखते हैं तो ये स्पॉइलर देखने को मिल जाते हैं, जैसे हम नीचे करते हैं तो वो नीचे हो जाता है स्पॉइलर। ये स्पॉइलर यहाँ पे आप, स्पॉइलर नहीं सॉरी, इसे बोलते हैं पार्शल ट्रे है ये, स्पॉइलर नहीं है। काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है इस गाड़ी में, यहाँ पे दोनों तरफ कुछ ना कुछ आप हैंग कर सकते हैं अपनी छोटी मोटी जो थैली आप अपनी गाड़ी में लेके चल रहे हैं। यहाँ पे टूल किट्स देखने को मिल रही है। और जब हम देखते हैं अंदर की तरफ, आप देखिए ये ऊपर कुछ इस तरह से उठ जाता है। यहाँ पे एक स्पेयर व्हील देखने को मिल रहा है विथ जैक, यहाँ पे जैक रखा हुआ है, इसे भाई यहाँ पे रख देते हैं। बूट को करते हैं बंद, और अगर आप लोगों को बूट स्पेस देखना है तो वो यहाँ पर लिखी हुई आ रही होगी। अब देख लेते हैं गाड़ी का पैसेंजर रो। तो आप लोगों को अगर गाड़ी में एक्सेसरीज लगवाना है
तो आप यहाँ पर देखने को मिल जाती है एसेसरीज, सीट कवर्स देखने को मिल रहे हैं इस गाड़ी में, और यहाँ पर जो कि टायर्स देखने को मिल जाते हैं, टायर के ऊपर जो रिंग डलती है वो रिम, और यहाँ पे देखने को मिल रहा है रेनॉल्ट के तरफ से जो भी आप लोगों को गाड़ी में एसेसरीज लगवानी हो। तो पैसेंजर रूम हम ओपन कर लेते हैं, पैसेंजर डोर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप देखिए यहाँ पर विंडोज़ वन टच अप वन टच डाउन, इसे पकड़ के हम डोर को क्लोज कर सकते हैं लॉक अनलॉक करने के लिए डोर को, और ये लॉक अनलॉक बटन देखने को यहाँ पर मिल रही है। एक स्पीकर भी पीछे देखने को मिल जाता है। मैं अंदर जाता हूँ भाई साहब, तो अंदर देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पर एसी वेंट्स पीछे की तरफ देखने को मिल जाते हैं, दो एसी वेंट्स। पीछे जाता हूँ मैं, आप देख सकते हैं, वाह भाई काफ़ी अच्छा लेग रूम, हेड रूम काफ़ी अच्छा है। और पीछे की सीट की तरफ यहाँ पर देखने को मिल जाता है, हमें कुछ सामान रखना हो तो वहाँ पर हम बड़ी आसानी से रख सकते हैं। और जब हम देखते हैं यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल जाता है एक आर्म रेस्ट, हम इसे खोल कर इस पर बनी अपने आर्म रख सकते हैं। इस तरफ देखने को मिल जाती है एक लाइट जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है, और जो कि पूरे कैबिन में अच्छे से ठीक है। और यहाँ पर देखने को मिल जाता है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब चलते गाड़ी के बाहर, और गाड़ी के बारे में मैं आप लोगों को सेफ्टी फीचर्स इस गाड़ी के बता दूंगा, और इंजन इस गाड़ी का बताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले ड्राइवर डोर को करता हूँ ओपन, डोर को ओपन कर चुका हूँ मैं। तो की कुछ इस तरह की इसमें देखने को मिल रही है, रिमोट की है बिल्कुल। लॉक अनलॉक, यहाँ पे अंदर जो लाइट है वो इस बटन से चालू हो जाती है जो कि अभी नहीं हो पा रही है। यहाँ पे देखने को मिल जाती है बूट की बटन। चलता हूँ गाड़ी के अंदर एक बार मैं, यहाँ पर विंडोज़ के कंट्रोल्स देखने को मिल रहे हैं, विंडोज़ के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे ORBM से एडजस्टेबल के लिए देखने को मिल जाता है, हम इससे ORBM को एडजस्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आप देख सकते हैं वो एडजस्ट हो रहे हैं, तो कुछ इस तरह से ये वर्क करता है। चलिए अंदर अंदर आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पर देखने को मिल जाता है भाई, काफ़ी अच्छा फील आ रहा है अंदर बैठ के। बीच में हॉर्न देखने को मिल जाता है गाड़ी का, रेनॉल्ट का लोगो। और जब हम देखते हैं यहाँ पर ये गाड़ी का सेकेंड टॉप वेरियंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हैजर्ड लाइट ऑन है तो यहाँ पे ऑन बता रहा है। बीच में देखने को मिल जाता है एक DIS, यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन बताता है, स्पीडोमीटर ये वो सब इसमें बता देता है वो। और जब हम वाइपर देखते हैं, तो जब इसे हम ऊपर की तरफ ऐसे पुल करते हैं इसे, तो ये वॉशर में पानी आता है और वाइपर अपने आप चलने लगते हैं, और ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं ऑटोमेटिक। और IRVM देखने को मिल जाता है इस तरफ, और इस तरफ देखने को मिल जाता है हमें बड़ा सा फ्रंट विंड ग्लास जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है, आगे हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो अब हम कैमरा एंगल बदलते हैं, तो आप भी हमारे साथ देखिए। तो वीडियो हो चुकी है स्टार्ट, मैं आ चुका हूँ अंदर। यहाँ पर देखने को मिल जाती है स्क्रीन जो कि काफ़ी अच्छी है, इसे हम होम पे जाते हैं। सबसे पहले होम पे गाड़ी में देखने को मिल रहा है। तो अभी हम सॉन्ग को कर देते हैं बिल्कुल बंद कर चुके हैं हमने सॉन्ग को। और जब हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ही हम इस गाड़ी में रिवर्स गियर को डालते हैं, तो आप देख सकते हैं ये रिवर्स कैमरा ऑन हो चुका है। तो बिल्कुल आप इसे देख के ही गाड़ी को रिवर्स करना है आपको, जब भी रिवर्स करना हो इस गाड़ी को, तो ये काफ़ी अच्छा फंक्शन है। और यहाँ पर देखने को मिल जाती है स्टार्ट एंड स्टॉप की बटन यहाँ पे देखने को मिल रही है, और AC के कंट्रोल इधर की तरफ रहेगा तो वो कूल रहेगा, ये रेड कलर का एक मिल रहा है, इधर की तरफ कूल और इधर की तरफ हीटर हो जाएगा। और ये फ़ैन की स्पीड के लिए है, ये फुल है, ये कम हो जाते हैं अभी सिर्फ इसमें, मतलब कि सिर्फ अभी ये ऐसे ही हवा देते हैं
और जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ये ठंडी हवा प्रोड्यूस करता है, एसी जब ऑन होता है। यहाँ पे देखने को मिल जाता है बाहर की हवा अंदर करने के लिए और अंदर की हवा बाहर करने के लिए, ये फंक्शन है एसी के दो वेंट्स। इस तरफ जब मैं आप लोगों को सेटिंग्स दिखा देता हूँ, सबसे पहले बिल्कुल बैक में जाना है हमें, और जैसे ही हम सेटिंग को ऑन करते हैं तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा डिस्प्ले सेटिंग। मान लीजिए अभी हमको करना है इस गाड़ी में ऑन, कि सबसे पहले तो हम इसे कर देते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे जाना है डिस्प्ले पर, डिस्प्ले पे देखने को मिल जाते हैं मतलब कि इसके कंट्रोल्स। जैसे हम लो पे क्लिक करेंगे तो ये लो लाइट पे हो जाता है, लो, ये लो हो गई लाइट और ये हाई है ऑटो, मतलब कि ये अपने आप ही वर्क करेगा। नाइट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है, और जब हम इसकी ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं तो इससे कर सकते हैं। और जब हम देखते डिवाइस वाईफाई आईफाई सब इससे कनेक्ट हो सकता है, काफ़ी अच्छा फीचर है। तो अब हम ग्लव बॉक्स आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं, कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाता है ग्लव बॉक्स। नॉर्मल ग्लव बॉक्स है ये, इसे कहते हैं बंद, ये थोड़ा छोटा है, लेकिन ये भाई साहब बहुत बड़ा ग्लव बॉक्स, इसे भी हम कर देते हैं बंद। और यहाँ पर इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप की बटन, और यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं हमें यूएसबी लगाने के लिए एक जगह। 5-speed गियर देखने को मिल जाते हैं विथ 1 reverse, बीच में हॉर्न है, और यहाँ पे साउंड प्लस माइनस की बटन, और ये उसके लिए जो हम क्रूज कंट्रोल के लिए यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये नॉर्मल है बिल्कुल। और ये लाइट, लाइट यहाँ से ऑन ऑफ हो सकती है इस गाड़ी में, ये भी काफ़ी अच्छा मुझे फीचर लगता है। हम कर देते हैं बंद, और अब हम चलते हैं गाड़ी के बाहर की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ वेनल्टी, ये भी काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर मिरर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मिरर देखने को मिल जाता है। कहते हैं बंद, यहाँ पर एक लाइट देखने को मिल रही है, और यहाँ पर देखने को मिल जाता है हमें IRVM। अब चलते हैं गाड़ी के बाहर की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे फ्यूल की देखने को मिल जाती है एक बटन, इसे ऊपर की तरफ पुल कीजिए, खुल जाती है हमारा फ्यूल लिड। यहाँ पे पेट्रोल है, जो हमारे पेट्रोल भरने वाले भाई साहब हैं उनको दिख जाता है पेट्रोल है ये गाड़ी, कहते हैं बंद। एक बार बोनट खोल लेते हैं भाई। यहाँ पर एक स्विच है जो कि आप लोगों को नहीं दिखेगा, स्विच तो नहीं पर एक लीवर है अंदर, उसे हमें पुल करना रहता है। कहाँ चला गया भाई? तो हमने वो बोनट ओपन कर चुके हैं, आइए ऐसे हम खोल लेते हैं एक बार। कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाएगा, अंदर एक लीवर है, इसे ऐसा करना पड़ता है तो ये ओपन हो जाता है। इसे हम लगा देते हैं, आपको यहाँ लगाना हो या यहाँ, आप कहीं पर भी इसे लगा सकते हैं, मैं तो यहाँ पर लगाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3-cylinder इंजन देखने को मिल रहा है इस गाड़ी में। यहाँ पर कूलेंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, कितने यहाँ पे भी पेट्रोल डलता है, यहाँ पे इंजन ऑयल डलता है इस गाड़ी में, इंजन ऑयल। वॉशर, यहाँ पे वॉशर में पानी डालने की जगह देखने को मिल रही है। बैटरी है यहाँ पर, और आप लोगों को अगर सबसे पहले इसे करते हैं हम बंद, इसे हमने कर चुके हैं बंद। और आप लोगों को गाड़ी को परचेज़ करना है या कुछ भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर है, और यहाँ पर आप लोगों को गाड़ी की फुल डिटेल देखने को मिल जाएगी। और इस गाड़ी में कितने कलर्स आते हैं वो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो आप फटाफट जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।